अब बात करेंगे इस वक्त बड़ी जानकारी की जो लद्दाख से इस वक्त आ रही है, क्योंकि लद्दाख का जिक्र करते हैं तो लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, लेकिन जानकारी मिल रही है भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो सकती है कल सुबह करीब 10:30 बजे, ये बात हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी, और कोर कमांडर स्तर की बैठक जब होगी तो क्या मसला सुलझ जाएगा, क्योंकि 11वें दौर तक की बातचीत पहले ही हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर वार्ता देखने को मिल सकती है, हालांकि इसका नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ताजा जानकारी इस वक्त 5 के 5 में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि 11वें दौर तक की बातचीत हो चुकी है, पर क्या वाकई हल निकल पाएगा ये तो खैर वक्त बता पाएगा, लेकिन हम बातचीत करेंगे रक्षा विशेषज्ञ से, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कल के दौर में क्या कुछ होने वाला है जब 12वां दौर रहेगा। SS पठानिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब एक बार फिर 5 के 5 में आने के लिए हमारे साथ। पठानिया साहब, क्या लगता है आपको, जो भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बना हुआ है, अब क्या वो वाकई सुलझने की ओर है, क्योंकि चीन की चालाकी भारत बखूबी जानता है, और भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पीछे आपको हटना होगा और पहले आप पूरी तरीके से पीछे हटिए, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी गतिरोध बरकरार है। क्या 12वें दौर की बातचीत में कुछ हल निकल पाएगा पठानिया साहब? हर्षी, देखिए, ये अभी सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो कंफ्लिक्ट एरियाज थे वो कहां कहां पर थे और क्या क्या उसके अंदर हमने इसको रिजॉल्व कराया, और अभी कहां कहां पे हमारे कंफ्लिक्ट एरिया हैं जिसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि अभी 12वें लेवल की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो। शुरू में अगर हम देखते हैं तो उस समय हमारे पास जो कंफ्लिक्ट एरियाज थे वो था, एक था फिंगर एरिया, उसके बाद वो जब हमने कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई किया जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, उसके बाद बाकी जो है वो है गोगरा, हार्ट स्प्रिंग, डेपसोंग प्लेन और डेमचॉक विलेज। जी, अभी इसमें से जो कैलाश रेंज और जो फिंगर एरिया है वो रिजॉल्व हो चुके हैं और बाकी 4 जो कंफ्लिक्ट पॉइंट हैं वो बने हुए हैं। जहां तक इंडिया का स्टांस है, हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि चाइना को वहां से पीछे हटना पड़ेगा। जी, ये अच्छा अप्रोच है, लेकिन सवाल ये है कि जो एक्टिविटीज वहां पे चल रही है वो इस बात का इंडिकेशन नहीं दे रही है कि चाइना वहां से पीछे हटने को तैयार है। ऑन द कंट्रेरी, वो वहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट करके उनकी जो पोजीशन उन्हें ऑक्यूपाई की थी उसको वो कंसोलिडेट कर रहा है और अपना जो कम्युनिकेशन और जो रोड नेटवर्क है उसको लगातार इंप्रूव करता जा रहा है। तो ये सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि उनके इरादे अभी ठीक नहीं है फिलहाल। अभी अगर हम बात करें, जो हमारे उम्मीद है या मुमकिन है कि जब ये हमारे रक्षा मंत्री गए थे SCO मीटिंग के अंदर, शायद उनके रक्षा मंत्री से ऑन द साइड लाइन कोई किस्म की बात हुई होगी। अभी चाइना का जहां तक सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, दैट इज अ वेरी वेरी ट्रेचरस नेशन विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो अभी क्या करेगा, अपनी वो डिले टैक्टिक्स जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है और उसको वो टाइम गेन कर रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं कोर कमांडर लेवल की बात, तो कोर कमांडर तो वही कहेगा जो ऊपर से उसको डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन कहां से आएंगी, डायरेक्शन आ जाएंगी शी जिनपिंग से, और उनका जो थिएटर कमांडर है उसके थ्रू फोर्स को डायरेक्शन आएगी। तो इनके पास जो अपना लीवे है कि अपना इनिशिएटिव है वो बहुत कम है अभी। तो अभी ये कहा जा सकता है कुछ हद तक कि ये एक डिले टैक्टिक्स है चाइना के साथ, हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमारी जो डिमांड है वो उनको लगातार बनाए रखनी चाहिए। और जहां पे चाइना कमजोर है उसी वी गॉट टू बी प्रोएक्टिव। हम ये नहीं कि चाइना कहेगा हम रेक्ट करते रहेंगे, वी आर ऑलमोस्ट सुपर पावर, हम कोई छोटी मोटी कंट्री तो नहीं है। तो जहां उनकी वीकनेस है उनको हिट करना चाहिए, और बाकी भी जो क्वाड बना है, USA का जिस तरीके से चीजें चल रही है, उनका जो वुहान की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी चाइना में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो चाइना आस्ते आस्ते अपनी जो कंट्रोल है वो खोता जाएगा और वो जो इकोनॉमी उसकी जो सुपरमेसी है वर्ल्ड के ऊपर वो भी आस्ते आस्ते ढीली पड़ती जाएगी। सो लेट्स होप यू नो दैट सम काइंड ऑफ अ सेंस प्रिवेल ओवर दिस कम्युनिस्ट पार्टी एंड शी जिनपिंग एंड दे रिजॉल्व द मैटर एमिकेबली।
ठीक है, लेकिन जो तस्वीर हम चीन की देख रहे हैं पठानिया साहब, क्योंकि अभी अगर बात करें तो हालात अफगानिस्तान के अंदर हैं कैसे हैं उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के साथ तस्वीर चीन की नजर आ जाना, हालांकि अगर बात करें तो भारत की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि भारत कभी भी रिश्तों को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, जोड़ने में विश्वास रखता है, लेकिन चीन की तरफ से जो दुनिया का सुपर पावर देश बनने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या 12वें दौर की बातचीत भी ऐसी ही रहेगी जो 11वें दौर तक की रही है, क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, हालांकि एक उम्मीद आप कह सकते हैं कि उम्मीद एक जगी है कि जब 12वें दौर की बातचीत हो रही है तो जो इलाके आप जिक्र कर रहे हैं उनसे पीछे चीनी सेना हट पाएगी। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है हर्ष जी, या तो हम ऑप्टिमिस्टिक होके सोचें या हम पेसिमिस्टिक होके सोचें। जी जी, तो हमें हमेशा जो हमारी सोच है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। लेट्स होप। देखिए चाइना जो है वो पूरी तरह जानता है कि लद्दाख में इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। दूसरा, चाइना भी जो है वो लड़ाई नहीं चाहता है। चाइना का जो मेन मुद्दा है वो भी है, वो इकोनॉमिकली ग्रो होना चाहता है ताकि यूएसए को पीछे छोड़ दे, तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। अभी मैं अगर आपको अपनी एनालिसिस दूं तो ये कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं। गोगरा और हार्ट स्प्रिंग से पॉसिबल है कि 2002 की वार्तालाप के बाद चाइना गिव्स ए यू नो काइंड ऑफ ए मैसेज टू एंटायर वर्ल्ड दैट यू नो वी हैव वी आर सेटल द डिस्प्यूट एट गोगरा एंड हार्ट स्प्रिंग। बट जहां तक डेप्सोंग का प्लेन का सवाल है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और अगर वो कर देता तो देन वी कैन एज्यूम इट दैट दिस इज द विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर चाइना। ठीक है पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ होने वाला है चीन और भारत की बातचीत के बीच। फिलहाल 12वें दौर की बातचीत कहा जा रहा है कि कल ठीक सुबह 10:30 बजे होगी, पर क्या वाकई कुछ हल निकल पाएगा? गुलिस्तान न्यूज आपको लगातार अपडेट करता रहेगा खबरों।